हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस क्लास हम डिस्कस कर रहे थे नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, जिसमें एक सॉल्यूट खुद को दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था एंड इक्विलिब्रियम पहुंचने पर सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस के लिए वो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का रेशियो कंस्टेंट रहता था, जिसको हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ये नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पूरा ठीक से ओबे करने के लिए, उसको भी डिस्कशन कर गए और एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किए थे, राइट। आज इस क्लास में माय डियर फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे, अगर सिमिलर मॉलिकुलर स्पेसिस नहीं है, अगर कोई भी एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट खुद को एसोसिएट कर लेता है तो नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या होगा। आई मीन अगर हमारे पास ऐसे दो सॉल्वेंट्स इन कंटैक्ट है, ठीक है, इधर है फेज वन और इसको लिखेंगे फेज टू, ये हो जाएगा हमारे लिए फेज वन, ठीक है ना। एक सॉल्यूट जो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सॉल्यूट है ए। ए फेज वन में, द सॉल्यूट ए फेज वन में एज नॉर्मल बिना कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज करते हुए नॉर्मली रहता है। फेज वन में जो जब ये डिजॉल्व होता है तो ये नॉर्मल सा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई चेंज नहीं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन वो ए इधर क्या होता है रे, एसोसिएट होके रहता है एज ए एन, राइट, एज ए एन। तो इस कंडीशन में नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या होगा। ए एन में भी यू डिडंट गेट दैट, समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा एक कंसीडर करता हूं, ये है बेंजीन लेयर, ये है बेंजीन लेयर, ये है एक्वस यानी वाटर लेयर, इसमें बेंजोइक एसिड के बाद हम बोलेंगे C6H5COOH, पानी में वाटर में C6H5OH मोनोमर यानी सिंपल मॉलिकुलर फॉर्मूला के तरह रहता है, लेकिन बेंजीन में ये C6H5OH डाइमर होके रहता है, C6H5COOH होल टू होके रहता है, यानी सिमिलर मॉलिकुलर स्पेसिस नहीं है। बेंजोइक एसिड जो सॉलिड है वो खुद को एसोसिएट कर लेता है बेंजीन लेयर में, इस एन के जगह दो है इसलिए डाइमर। हम बोल सकते हैं इधर जो सॉल्यूट ए है एनमर होके एसोसिएट कर लेता है खुद को। तो इधर खाली ए है, इधर और दूसरा कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इधर हम कंसीडर करते हैं, इधर जो इक्विलिब्रियम है वो किस किस के अंदर इक्विलिब्रियम है, जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और कुछ मॉलिक्यूल जो अन एसोसिएटेड स्टेट में होंगे, यानी कुछ तो मॉलिक्यूल फ्री होंगे ना, हर एक मॉलिक्यूल तो एसोसिएट नहीं होता। जब लिक्विड स्टेट में अगर इंटरमीडिएट में सॉल्यूशन में अबनॉर्मल मोलार मास के बारे में आइडिया है तो तब ये बात और बढ़िया सा समझ में आएगा। फिर भी हम इधर डिस्कशन करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल तो ऑन एसोसिएटेड करके है एन ए, मीन्स एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ए एन करके रहते हैं। ये फेज टू में होता है, ये जो कंडीशन ओनली फेज टू में देखने को मिलता है। फेज वन में ए जैसा कि ऐसा रहता है, उसका कोई चेंज नहीं। तो अगर हम नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो वो सिमिलर मॉलिकुलर स्पेसिस ए एंड ए के बीच में ही होता है, जब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर रहे थे। जो भी हो,
ये पर्टिकुलर कंडीशन में नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या होगा, इसको डिस्कशन करना है कैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्या कंडीशन है इसको लिख लेंगे। इस ए का कंसेंट्रेशन इधर है सी वन और होल ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट ए इन फेज टू इज सी टू। हम लिखेंगे कंसीडर ए सॉल्यूट ए, कंसीडर ए सॉल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ, डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स, बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स एंड the solute remains unchanged in phase 1। ये एक solvent है जिसका phase अलग है, ये एक solvent है जिसका ये phase अलग है। phase number of degrees freedom component ये हम phase rule में discussion कर चुके हैं। anyway phase 1 with concentration C1, but remains unchanged in phase 1 with concentration C1, but इसको कुमा कर लेंगे, but the solute associates itself associates in phase 2, कैसे associate होता है, as a holen, अगर dimer होता तो A2 लिखते, trimer होता तो A3 लिखते, but the solute associates in phase 2 as an with total concentration कहने से phase 2 में जितना on associated molecule है and जितना associated molecules है उनका पूरा कंसेंट्रेशन हम बोल रहे हैं, with total concentration C2, राइट। इन फेज टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन associated and unassociated molecules, the equilibrium between associated and unassociated molecule is represented as कैसे होता है, n moles of a जो unassociated state में है वो देते हैं an associated moles, इसका और इसका कुल मिला के concentration C2 है। और जब phase 1 में a जो unassociated होके है, जो खुद को कोई खुद का molecular formula में कोई change नहीं लाता है, उसका concentration C1 है। तो ये जो इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं ये खाली फेज 2 में ऑन एसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में है। क्यों ये इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन को जो ऑन एसोसिएटेड स्टेट में है फेज 2 में, उसका कंसेंट्रेशन को इस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सो दैट हम जब नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो सिमिलर मॉलिकुलर स्पेसिस के अंदर ही, स्पेसिस के बीच में ही वो होल्ड गुड करेगा, यानी काम ठीक से करेगा। तो इसीलिए इसके और इसका हम कंसेंट्रेशन का रेशियो लेंगे, लेकिन इसको इसके हिसाब से एक्सप्रेस कर चुके होंगे तब तक। तो हमको अभी जो एसोसिएट होने से एसोसिएटेड मोल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का बढ़िया सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये हमारा मकसद है, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि हाँ, और एक कंसीडरेशन इधर है जो
बट द सॉल्यूट एसोसिएट्स लार्जली, ये टर्म हमको यूज करना है लार्जली, क्यों मैं बोल रहा हूँ लार्ज, सॉल्यूट एसोसिएट्स लार्जली इन फेज टू एज ए एन, मतलब हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं अगर 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस फेज टू, आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल तकरीबन 900 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, बस कोई 100 से 50 तक मॉलिक्यूल ऑन एसोसिएटेड स्टेट में रहता है, 900 और 100 कुल मिला के होता है 1000, सो 100 मॉलिक्यूल्स जो ऑन एसोसिएटेड होके रहते हैं फेज टू में, आई एम गिविंग अ दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट डाटा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए ऐसे एक डाटा देता हूँ। तो इसीलिए जो ऑन एसोसिएटेड स्टेट में है उसका नंबर बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और मच इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लार्जली एसोसिएटेड मतलब जो भी कंसेंट्रेशन सी टू है ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन द एसोसिएटेड स्टेट, इसीलिए हम पूरा जो कंसेंट्रेशन सी टू है, टोटल कंसेंट्रेशन तो हम ऑन एसोसिएटेड और एसोसिएटेड मोल्स का ले रहे हैं, लेकिन लार्जली एसोसिएटेड स्टेट में है, जो सॉल्यूट एसोसिएटेड स्टेट में है फेज टू में, इसलिए हम कंसिडर कर लेंगे कि वो जो टोटल कंसेंट्रेशन सी टू है ये पूरा का पूरा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का ही कंसेंट्रेशन है, क्योंकि ऑन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए ये बात को ध्यान में रखना है, जो भी हो। सो वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हियर, वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हियर दैट शुड बी इक्वल टू ए कंसेंट्रेशन, एंड हमको पता है जब इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो कोफिशिएंट पावर हो जाता है, तो इधर आ जाएगा ए टू दी पावर एन बाई, ये जो ए कैसे है एसोसिएट स्टेट में, इसका कंसेंट्रेशन, इसका कंसेंट्रेशन टू दी पावर एन बाई इसका कंसेंट्रेशन, तो हमको निकालना था ये ए का कंसेंट्रेशन कितना होगा, तो ए कंसेंट्रेशन टू दी पावर एन बनेगा के ए होल एन कंसेंट्रेशन, अगर खाली ए की कंसेंट्रेशन बोलेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/n, और हम लिख सकते हैं के ए एन टू दी पावर, दैट मीन्स के ए एन रूट एन और टू दी पावर 1/n हम लिख सकते हैं, जो भी हो ए का कंसेंट्रेशन अब निकल गया। एंड सिंस द सॉल्यूट एग्जिस्ट लार्जली एसोसिएटेड इन फेज टू वी कैन कंसीडर द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एन, यानी हम दैट इज ए कंसेंट्रेशन, यानी ओनली ए कंसेंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करके जो टोटल कंसेंट्रेशन इधर था एसोसिएटेड एंड ऑन एसोसिएटेड का, तो हम पूरा जो कंसेंट्रेशन टोटल कंसेंट्रेशन है उसको पूरा यही पूरा वो ऑन एसोसरी पूरा वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, सो ए इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, सो इसीलिए इधर जो है ए एन, दस हम लिख सकते हैं ए कंसेंट्रेशन हमको मिल जाएगा है के रूट एन इज नथिंग बट ए कॉन्स्टांट, कॉन्स्टांट का रूट एन एक कॉन्स्टांट होगा कॉन्स्टांट, एंड जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है उसका रूट एन, तो इसीलिए हम लिखेंगे कॉन्स्टांट इंटू ए एन का कंसेंट्रेशन, यानी सी टू का कंसेंट्रेशन रूट एन, डिड यू गेट मी ना, अभी ए का कंसेंट्रेशन, ये ए का कंसेंट्रेशन किधर है फेज टू में, ए का कंसेंट्रेशन किधर है फेज टू में, ठीक है ना, ये हर एक थोड़ा पीछे आएगा शायद, ओके, ए का कंसेंट्रेशन क्या होगा रे,
के कॉन्सेंट्रेशन ए एन। सो कॉन्सेंट्रेशन ए एन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको पूरा लार्जली सी टू कॉन्सेंट्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, ए के जगह हम सी टू ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो ए का कंसेंट्रेशन है ऑन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का इस किस फेज में, फेज टू में है। एंड जब हमको नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन अप्लाई करना हो तो सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस के बीच में अप्लाई करेंगे, तो इधर ए ऑन एसोसिएटेड स्टेट में है और इधर ऑन एसोसिएटेड स्टेट में होने वाला ए का कंसेंट्रेशन कितना है फेज टू में, इसको इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड मोल एक्सप्रेस कर चुके हैं। अभी इसका यानी ऑन एसोसिएटेड मोले ऑन एसोसिएटेड सॉल्यूट इन फेज टू एंड ऑन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन फेज वन, इसका रेशियो लेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा जो क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल प्रोसीड। ओके, वन मिनट। या ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बात करेंगे, सो के डी विल बी नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन फेज वन बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए with respect to similar molecular species in phase 2. सो कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना है ऑन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का, ऑन एसोसिएटेड ए का कंसेंट्रेशन फेज वन में कितना है, सी वन। फिर ये ऑन एसोसिएटेड जो ए है इसका कंसेंट्रेशन फेज टू में कितना है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इनटू सी टू रूट एन। फिर हमको क्या मिलता है रे बाबा, हमको मिलता है एम्प्लाइज। सो ये कंस्टेंट को अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक दूसरा कंस्टेंट मिलेगा, यानी के डी को इस कंस्टेंट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और एक नया कंस्टेंट हमको मिलेगा। वो कंस्टेंट और कंस्टेंट इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और हमको मिलता है c1 by c2 root n, है ना हमारे लिए सही बात। अभी ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको लगारिदम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लगारिदम में एक्सप्रेस करेंगे, अभी आ गया ना समझ में बात, अभी हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन व्हेन द सॉल्यूट यू नो एसोसिएट इटसेल्फ इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको कैसे लगारिदम में एक्सप्रेस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अभी ये बन जाता है क्या रे, सी वन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू c2 root n, यानी हम लिख सकते हैं c2 to the power 1 by n। दो साइड में लगारिदम अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा log c1 log constant into c2 to the power 1 by n, log xy is equal to log x plus log y हो जाएगा, तो log c1 is equal to log constant plus log c2 to the power 1 by n, यानी log c1 is equal to log constant का logarithm एक constant होता है, constant प्लस log x टू दी पावर y इज इक्वल टू y log x, तो 1 by n इधर चला आएगा तो हमको मिलेगा 1 by n
log C2, ठीक है ना। इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं 1 बाई एन लॉग सी टू प्लस कॉन्स्टेंट, यानी इसको हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के तरह, ये बन जाएगा 1 बाई एन एम, तो ये बन जाएगा x, ये हो गया c, ये हो गया y, इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। m मतलब ये क्या है, m इसका स्लोप है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कैसे एक न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम चलेंगे अभी आगे, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ इसको द फाइनल इक्वेशन विल बी रिटेन कॉन्स्टेंट। वी नीड टू इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड इट्स द लॉगरिथम इक्वेशन। सो लेट अस इरेज ऑल अदर थिंग्स। ओके, सो अभी क्या करेंगे, सो हमारे लिए इक्वेशन था कॉन्स्टांट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू रूट एन, सी वन बाई सी टू रूट एन। कैसे इसको हम डिटरमिन करेंगे, वो एन को कैसे हम डिटरमिन करेंगे, ठीक है। ओके, सो हाउ टू, नेक्स्ट आता है हाउ टू डिटरमिन द एन, एन मीन्स कितना। अगर हम बोलते हैं डाइमर करके दो, वो दो होके रहता है कैसे हमको पता चलेगा, ये इक्वेशन से पता चलेगा। अगर कंस्टेंट को हम के करके लिखते हैं के, तो ये ही हमको आइडिया देगा कि एन का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। अभी हम चलेंगे एक न्यूमेरिकल्स करेंगे हिट, पहले हाउ टू डिटरमिन द एन, द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन। तो पहले जो आता है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या हीट एंड ट्रायल मतलब एन के जगह पुट एन इज इक्वल टू, एन तो एक ही नहीं है, क्योंकि अगर एन एक होता तो ये रूट एन का जरूरत ही नहीं होता। ये तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्पेसिस में होते तो इक्वेशन होता C1 by C2। अगर C1 by C2 रूट एन को वो जरूरी समझता है नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन को होल्ड गुड करने के लिए, ठीक से काम करने के लिए, इसका मतलब एन एक नहीं, तो इसलिए एन टू थ्री, टू और थ्री और फोर ऐसे पकाते जाएंगे, डालते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जिधर C1 by C2 पहले एन के जगह दो डालो और जो जो कंसेंट्रेशन हमको मिल रहा है उसके हिसाब से एन के जगह दो डालने से अगर कॉन्स्टेंट आता है तो ये हमारे लिए एक दैट मीन्स नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इज होल्डिंग गुड। तो हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तो समझ जाएंगे क्लियरली। एग्जाम्पल In the distribution of a solute between water, where the concentration is C1 and chloroform, where the concentration is C2. In the distribution of solute between the following data obtained. C1 इधर C2, C1 होता है concentration in water, C2 होता है concentration of the solute in chloroform। ये आता है C1 इधर देखो 0.0160 0.338, इधर फिर 0.0237 0.753, ठीक है।
तो बोलता है कि determine the state of the solute in chloroform. इन क्लोरोफॉर कैसे इसको डिटरमिन करेंगे. ओके, अभी पहले तो चलिए देखते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन दोनों हमको मिल रहा है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म में, ये दो डिफरेंट केस में, ये केस वन है, ये केस टू में, केस टू है, दो डिफरेंट केस में के यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट सेम आता है कि नहीं. सॉल्यूशन पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे इधर केस वन में जो आता है 0.0160/0.338, ये आता है वैल्यू हमारे लिए 0.473, और केस टू में आता है 0.0237/0.753, ये आता है 0.031 यानी 0.031, एक आता है 0.0473, 0.031, बहुत डिफरेंस आता है, यानी ये दो ही केस में, दो डिफरेंट केस में इक्वल और नियरली इक्वल भी नहीं आता है. मतलब क्या, मतलब जो सॉल्यूट है वो दो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट खुद को सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस में रख नहीं पाता है, वो चेंज होता है, लेकिन हमको पता नहीं वो जो सॉल्यूट है वो किस सॉल्वेंट में किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. हाँ, एक तो है कि ये सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस में नहीं है, होता तो ये जो रेशियो है C1/C2 कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाता, नहीं आता है, इसका मतलब वो किसी एक सॉल्वेंट में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेंज करता है, यानी डाइमर या ट्राइमर के रूप में है. कैसे हमको डिटरमिन करना है, एन के जगह दो या फिर तीन या फिर फोर करके एक एक करके आगे आगे जाएंगे, जिधर कॉन्स्टेंट मिल गया उस फॉर्म में है वो सॉल्यूट. ओके, कैसे टेस्ट करेंगे, अभी इसको रखने का जरूरत नहीं है, इधर हम करेंगे कैसे बाबा, ऐसे चलेंगे हम आगे. ओके, सो अभी हम n के जगह let n इज इक्वल टू 2, ठीक है. अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हम अभी डालेंगे k इज इक्वल टू C1/C2 रूट n के फॉर्मूला. सो क्या होगा बाबा, सो अगर हम ये करते हैं, यानी पहले केस में, केस वन में C1 कंसेंट्रेशन कितना था, 0.0160/0.338 का रूट टू, ये आपके लिए आता है 0.0275, और केस टू में अगर चलेंगे वो आता है 0.0237 इसका रूट, यानी केस टू में जितना सी टू था इसका रूट टू, यानी ये आता है 0.0273, यानी ये दोनों करीब आते हैं. इज इट विजिबल क्लियरली, या विजिबल. सो ये दोनों वैल्यू करीब के करीब आते हैं, यानी ये जो कंस्टेंट ऑलमोस्ट कंस्टेंट आते हैं, इसीलिए इसका मतलब जो सॉलिड ए के बात हम बोल रहे हैं, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है खुद को डाइमर में रखता है तो ऑलमोस्ट कंस्टेंट आता है, इसीलिए ही इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज द स्टेट, क्वेश्चन था डिटरमिन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट इन क्लोरोफॉर्म, इम्प्लाइज द सॉल्यूट रिमेंस एज ए डाइमर इन क्लोरोफॉर्म, ठीक है.
अभी इसको हम क्या कर पाएंगे, अभी हम क्या कर पाएंगे रे, ऐसे करके हिट एंड ट्रायल, अगर दो में नहीं होता तो तीन लेते, राइट। सो इस ऐसे करके हिट एंड ट्रायल मेथड में हम डिटरमिन कर सकते हैं एन के वैल्यू। और एक लॉगरिथम वैल्यू भी है, लॉगरिथम मेथड भी है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सो फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड मेथड इज लॉगरिथमिक मेथड। इसको कैसे करना है, हमको इक्वेशन मिला था, हमको फाइनली इक्वेशन मिला था बाबा कि log सी वन इज इक्वल टू वन बाई एन log सी टू प्लस log के कांस्टेंट का लॉगरिथम, जिसको हम कांस्टेंट ले रहे थे। ओके अभी हम क्या करेंगे, दो सेट ऑफ डाटा, टू सेट्स ऑफ डाटा हमको चाहिए, टू सेट्स ऑफ डाटा are needed. ओके सो यानी c1 के जगह x1, c2 के जगह y1, c1 c2 है ना, एक ही सेट डाटा में x1 y1, फिर एक अदर सेट में x2 y2 करके हम डाटा पुट करेंगे, हम डाटा पुट करेंगे। यानी हमको क्या क्या इक्वेशन मिलता है रे, इसको हम लॉग के करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ये जो इक्वेशन हमको देता है क्या देता है रे बाबा, हम लिखेंगे अभी लॉग के इज इक्वल टू लॉग सी वन माइनस वन बाई एन लॉग सी टू, ठीक है। ये सी वन के जगह एक सेट में डाटा एक्स वन वाई वन पुट करेंगे, फिर दूसरे सेट में एक्स टू वाई टू करके पुट करेंगे, ठीक है। पहले सो इधर से फॉर सेट वन में हमको मिला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग एक्स वन, ठीक है, माइनस वन बाई एन लॉग वाई वन, यानी वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक सॉल्वेंट में कितना है, दूसरे सॉल्वेंट में कितना है, एक्स वन वाई वन, ठीक है। ठीक उसी तरह सेट टू के लिए हमको मिलेगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग एक्स टू माइनस वन बाई एन लॉग वाई टू, ठीक है ना। तो ये जो सेट में ये लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सिमिलर होंगे, ठीक है। ये अगर इक्वेशन वन होगा, ये अगर इक्वेशन टू होगा, हमको मिल सकता है equating equation 1 and 2, हमको ये सिंप्लीफाई करके मिल सकता है फाइनली n is equal to log y2 minus log y1, log x2 minus log x1, बस खाली अगर ये चार सेट का डाटा हमको पता है तो लॉगरिथम अप्लाई करके एन वैल्यू को हम डिटरमिन कर सकते हैं अच्छे तरह से। एंड आई थिंक आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कैसे एक सॉल्यूट खुद को अगर एसोसिएट करता है तो उसका नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या होगा, और कैसे हम एक सॉल्यूट का स्टेट किसी भी एक सॉल्वेंट में अगर ये डाइमर या ट्राइमर या कुछ भी मर होके रहता है, कैसे हम इसको ये दो तरीके से डिटरमिन कर पाएंगे। और फिर आगे जाके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, इफ द सॉल्यूट डिसोसिएट्स इटसेल्फ इन एनी वन ऑफ द सॉल्वेंट देन व्हाट विल बी द नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास माय डियर फ्रेंड्स, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।